मुस्कुरात तो मेरा हमेशा होता है। आज कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं आप सर। जी मैं शुरू कर लूं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। जैसे आपको मालूम है कि बहुत तफील मुशावरती अमल के बाद इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का पार्लियामान आइन साजी की जो हमारा अमल है वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरा मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुसलसल इस आइनी तरमीम पे, जुडिशल रिफॉर्म्स पे इंगेजमेंट रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के कराची के हमारा इंटरेक्शन इंगेजमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की 100% इत्तेफाक, जहां तक जुडिशल रिफॉर्म्स की जो आइन साजी होना है उसके कंटेंट के बारे में तय हो चुका है। मैं आज जो मौलाना फजल रहमान साहब के पास मौजूद हूँ, मैंने मौलाना साहब से ये तजवीज़ की कि जबकि हुकूमत जल्द सेशन बुला रहे हैं, मेरा ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब JUI खुद जो हमारा आपस का तय शुदा अग्रीड कंसेंसस जुडिशल रिफॉर्म्स की लेजिस्लेशन है कि मौलाना साहब खुद वो बाकायदा पार्लियामान में पेश करें। इसलिए जितने ये ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है उतना वो मौलाना फजल रहमान साहब का है। जहां हम शुरू हुए वो तो आपको मालूम है कि आईनी अदालत बनाने थे। अब हम इत्तफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। जो हमने 19वीं तरवीम को ख़त्म करना था वो 19वीं तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं और पार्लियामान की रोल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स में दिलवा रहे हैं। जो मौलाना फजल रहमान साहब की अपने मंशूर के हिस्से थे, जहाँ तक सूद के खिलाफ फैसला आया था आला अदलियत के तरफ से, हमारा जो पीपल्स पार्टी और JUI की ड्राफ्ट है वो जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब चाहता था वैसे ही अलिफ बे पे कॉमा फुल स्टॉप एग्जैक्टली है। उस पॉइंट के बारे में एक गलतफहमी पैदा इसलिए हुआ है कि जो हुकूमत ने अपनी तरफ से नून लीग पीपल्स पार्टी और JUI का एक ड्राफ्ट बना के कल पास किया उसमें एक गलत तासुर जा रहा है कि हमारा ड्राफ्ट में या JUI ने अपने असूली मौकफ से कोई पीछे हटा। तो वो भी मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट में चाह रहा हूँ कि मौलाना साहब खुद पेश करे वो ड्राफ्ट मौलाना साहब ने खुद लिखा है। उस ड्राफ्ट में हमारा जिन पॉइंट्स पे हमने इत्तफाक किया है जो जुडिशल रिफॉर्म के हवाले से वो मौजूद, जो मौलाना साहब की अपनी मंशूर के मुतालबात चाहे वो सूद के बारे में हो, चाहे वो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हो, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में हमने ये तय किया है कि जो इस वक्त पार्लियामान के रूल्स में मौजूद है कि जो पार्लियामान के मेंबरान आपस में अगर मुतालबा करते हैं तो बिल जाएगा काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। वो रूल्स के जो कंपोनेंट्स हैं इंशाल्लाह ताला जो बिल मौलाना फजल रहमान साहब मजलिस शूरा में पेश करेगा उस बिल में ये काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का जो कंपोनेंट जिस अल्फाज के साथ मैंने दोहराया उसके तकरीबन नज़दीक कामरान साहब तो बेहतर लॉयर है और वहाब साहब बेहतर बता सकेंगे, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में वो भी इंशाल्लाह ताला मौजूद होगा। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान साहब ने PTI के साथ पहले ये तय किया था कि PTI का मुलाकात अपने बानी कायद से होगा और वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे, वो मुलाकात पहले कल होना था फिर आज सुबह होना था, अब शुक्र है कि एटलीस्ट कम से कम हो गया। और मौलाना फजल रहमान साहब
इंशाल्लाह इनसे बात करेंगे, इनका भी इनपुट लेंगे, और मैं उम्मीद हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब के ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज भी मौजूद नहीं है, आपकी तमाम शिकायतें मौजूद नहीं हैं, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो, कोई सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात। आपकी सियासी मुतालबात माने गए हैं, सियासत में कभी भी कोई अपना 100% कामयाबी हासिल नहीं करते। सियासत नाम है कॉम्प्रोमाइज का, सियासत नाम है इत्तफाके राय टूटने का। अब ओनस ना पीपल्स पार्टी पे ना मौलाना फजल रहमान पे है। हमसे जो हो सका था मुमकिन सियासी तौर पे वो हमने अब कर लिया है। अब ओनस पीटीआई पे है कि अगर आप संजीदा हो, सियासत में संजीदा हो, तरीके इंसाफ तो नाम आपका है, मेरा नहीं। जुडिशियल रिफॉर्म्स आपको लाना चाहिए था, बिल आपको पेश करना चाहिए था। आज तक एक पॉइंट इन्होंने सामने नहीं लेकर आए। 2 महीने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। 2 महीने के लिए क्यों इंतजार कर रहा हूं? हुकूमत तो 2 महीने से मुझे कह रहे हैं, ताना मार रहे तकरीबन, कि वो तो हमारे पूरे हैं, आप हमें देर कर रहे हैं। हमारे लिए, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के लिए, हमारा दस्तूर, हमारा आईन अपने हमारे बड़ों का बनाया हुआ एक दस्तावेज है, हमारे लिए एक अमानत है। इसलिए मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आईन साजी करें, और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे, ये तासुर ना जाए कि हुकूमत का बिल अपनी जगह, मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आईन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा, ये सियासी कामयाबी होगा इस पॉलिटिकल स्पेस में। अगर मैं पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ आईन साजी करता हूं तो वो असल जमहूरी कुवतों का कामयाबी है। मेरा उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला इस दफा तरीके इंसाफ जात की सियासत नहीं, मुस्बत सियासत करें। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये अमेंडमेंट अगर हम सब के वोटों और हम सब के एतमाद से पास होता है आज, तो ये वैसे अमेंडमेंट होगा जैसे 18वीं तरमीम, जैसे 1973। अगर ये अमेंडमेंट खदाना खास्ता पार्टीज की इत्तफाक के बजाय मेंबरान की अक्सरियत के जोर पे पास हो जाता है, हम अदालत तो बनाएंगे, मगर इस हम सियासतदानों का, इस पार्लियामान का ये शिकस्त होगा। हम जीत के भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये हमारा शिकस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हम अक्सरियत के बुनियाद पे और इत्तेफाक के बुनियाद पे ये अनसाजी नहीं करें। हमने पूरा कोशिश किया है, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पूरा कोशिश किया है, हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है। अब थोड़ा ही टाइम रहता है, उम्मीद है कि पीटीआई का वफद यहाँ आएगा और वो मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत से सीखेंगे, और आखिरकार एक सियासी जमात बन के उनका अपना कामयाबी का जश्न मनाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई अलग रास्ता लेता है, तो जब पीटीआई उस आईन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, तो मैं अभी से मीडिया को और आप सबको बता रहा हूं, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। आप सबको शुक्रिया। नहीं, आप स्पोक्स पर्सन नहीं, मरकजी स्पोक्स पर्सन है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
बलावल साहब इस सिलसिले में 26वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में बलावल साहब की काविशें इंतहा पे हैं, जो इन्होंने मेहनत की है और रात दिन ना रात देखा है ना दिन देखा है, इस सिलसिले में कंसेंसस के लिए जो भरपूर काम कर रहे हैं। और यह दुरुस्त है कि जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी के दरमियान में बलावल हाउस कराची में जो मसौदा पास हुआ था और उस मसौदे की तकरीबन तमाम चीज़ें हम लोगों की मुश्तरक हैं, जैसे कि बलावल साहब ने फरमाया है, और हम इंतज़ार कर रहे हैं पीटीआई के दोस्तों का। उनकी ख्वाहिश थी कि हम अपने बानी पार्टी से हम इजाज़त लेना चाहते हैं, अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उनकी ख्वाहिश पे बाकायदा हमने मौलाना साहब ने बलावल साहब से और वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त करके उनको टाइम भी लेके दिया है। अब हम मुंतज़र हैं, वो आएंगे, हम उनकी बात सुनेंगे। मैं समझता हूँ मसौदे पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कि जो हमारा मसौदा है वो दो पार्टियों का, उसको हमने मेरा ख्याल मुस्लिम लीग नून को भी हमने दिखा चुके हैं और उन्होंने भी कोई इस पर कोई इतना बड़ा एतराज़ नहीं किया है और पीटीआई भी उसको देख चुकी है, उन्होंने भी माना है। मैं समझता हूँ इस पर कंसेंसस से बात को आगे बढ़ना चाहिए, और अगर हमने बिल्कुल यही करना है कि जी नहीं मानूँ नहीं मानूँ, तो उससे मामला किसी और तरफ जाएंगे। कैमरा भाई, आप सबका बहुत शुक्रिया। वो इंतजार कर रहे हैं ना पीटीआई वालों के, आप हमारा आइन साजी को देर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। फिर बात होगी, फिर बात।